अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे 20K सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज है जोहेब का बर्थडे। तो आज जोहेब को ना माशाल्लाह से 2 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पर जो है ना हम छोटी सी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जोहेब के लिए, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना हम लोगों के लिए मैटर करती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैं तैयारी कर रही हूँ दावत की। तो आज एक छोटी सी हमने दावत अरेंज की है 10 से 15 लोगों की। तो यहाँ पर जो है ना मैं तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले जो है ना मैंने बनाने के लिए रख दिया है खीर, और आज मैं जो है ना लौकी की खीर बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लीटर 2.5 लीटर दूध ले लिया है और उसको मैंने पहले से ही बॉयल करने के लिए रख दिया था। और हमारा दूध जो है ना बॉयल करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना लौकी को घिसकर उसको दूध में बॉयल कर लिया है, उसके बाद मैंने इसको दूध में ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर मावा भी ऐड कर दिया है, और अभी जो है ना मैंने साथ में इसके साथ साबूदाने भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि साबूदाने को ना मैंने पहले से भिगो कर नहीं रखा था, मैं भूल गई थी उनको भिगोना, तो मैंने इसलिए उसको पहले ही ऐड कर दिया है। अब हमें दूध को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है, जो हमारे साबूदाने हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तब तक के हमको दूध को पकाना है। लेकिन उसमें साबूदाने ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़े से साबूदाने ऐड करना है। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने ऑयल रख दिया है और उसमें मैंने प्याज डाल दिया था, और ये जो हमारी प्याज फ्राई हो रही थी वो हो रही है बिरयानी के लिए। तो वो काम जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो मैंने सोचा कि पहले हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है, और जब तक कि हमारा प्याज फ्राई होता है मैं यहाँ पर चिकन अफ़गानी ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है थोड़ी सी, मैंने हरी मिर्च ले लिया था, अपने जायके के मुताबिक ले लें, और मैंने मुट्ठी भर कोतमीर लिया है, और 8 से 10 मैंने काजू लिए थे, और मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और जब सारी चीज़ें ग्राइंड हो गई हैं तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है दही। तो मैंने यहाँ पर 250 से 300 ग्राम के करीब दही ले लिया है, और ये जो हमारा चिकन है ये है 2 किलो के करीब। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो चलिए, हमारा जो हरा मसाला है वो तो रेडी हो गया है, अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, और इसमें मुझे ब्लैक पेपर भी ऐड करना है, लेकिन ब्लैक पेपर मेरे पास नहीं है, मैं थोड़ी देर से उसको ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी हम यहीं पर ऐड कर देंगे जो हमें ग्रेवी में डालना है। तो सारी चीज़ें यहीं पर ऐड होगी, बाद में से जो है ना हमें ज़्यादा कोई मसाले डालना नहीं होता, ये दम पर बनती है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो चलिए इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 3 चीज़ें हमने यहाँ पर डाली है, ज़ीरा पाउडर, कसूरी मेथी एंड नमक। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने हरा मसाला डाला है वो भी हम बनाया है सॉरी वो भी हम यहीं पर ऐड कर देते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर नहीं बताई, अगर आप जो है ना घर की क्रीम ऐड मिक्स कर रहे हैं, इसमें घर की क्रीम डालेंगे तो उसको जो है ना साथ ही पीस लीजिए, जब आप दही डालेंगे ना तभी उसको पीस लीजिए, और अगर अमूल क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो बाद में से भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा भूल गई थी तो मुझे जो है ना बाद में उसको अलग से पीसना पड़ा। अगर आप अलग से पीस रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें दूध डालकर पीस सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इसको मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ना जितना मैंने दही लिया है ना उससे सिर्फ थोड़ा सा कम मैंने क्रीम लिया है। तो चलिए, क्रीम भी मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी इसको हम कवर करके रख देंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर पाउडर, और चाट मसाला हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और हम इसमें 1 लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए इसको रखूँगी, उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। और आपके पास टाइम है तो आप इसको होल नाइट भी रख सकते हैं, तो टेस्ट इससे काफ़ी अच्छा आएगा, और जो हमारा चिकन रहेगा ना वो भी बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगा। तो चलिए, अब हम इसको ना मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं।
तो यहाँ पर जो है ना अभी हमारा जो दूध है ना वो अच्छे से पक गया है। तो मैंने यहाँ पर दरदरा सा काजू और बादाम को पीस लिया था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए मैंने उसको हल्का सा ग्राइंड कर लिया था ताकि मुझे चॉप करने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और ग्राइंड कर लेते हैं तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने उसको ग्राइंड करके डाला है काजू और बादाम को। और थोड़ी सी मैंने उसमें सिवई भी ऐड कर दी है, और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी को देखते हुए ऐड करें क्योंकि इसमें साबूदाना है तो खीर जो है ना ठंडी होने के बाद ज़्यादा स्टिफ ना हो उसके मुताबिक आप ऐड कर दें। तो यहाँ पर जो है ना ऐट द एंड मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है मिल्क मेड, और शुगर मैंने उसी वक्त ऐड कर दिया था जब मैंने इसमें साबूदाना ऐड कर दिया था। और लास्ट में मैंने एक क्लिप थोड़ी सी मिस कर दी है जहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था वनीला एसेंस। तो अभी खीर को जो है ना मैंने ठंडी होने के लिए रख दिया है, पहले मैं बाहर रखूँगी उसके बाद मैं उसको फ्रिज में डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारी प्याज को ना फ्राई होने के लिए कितना टाइम लगा है, खीर हमारी बन गई है, चिकन मैरिनेट हो गया है, तब जाके जो है ना हमारा फर्स्ट बैच कंप्लीट हुआ है। तो चलिए अभी सेकंड बैच में भी हम जो है ना इसी तरह से प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो बिरयानी बनाने का जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही होता है, प्याज को कट करो और फ्राई करो। कट तो जो है ना मेरी देवरानी ने किया था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, तो प्याज को कट करने में उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और सारे काम में माशाल्लाह से उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई है, तो मेरे काम जो है ना आसानी से और स्मूदली हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं अभी बिरयानी के लिए मसाला ले रही हूँ, तो इसके लिए मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और ज़ीरा पाउडर ले लिया है और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला और 2 पैकेट मैंने यहाँ पर लकी का बिरयानी मसाला लिया है। तो यहाँ पर जो है ना हमारी जो बिरयानी बनेगी वो 4 किलो की बनेगी, यानी कि 2 किलो चिकन रहेगा और 2 किलो हमारे चावल रहेंगे। तो चलिए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने नमक ऐड कर दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, उसके बाद जो हमारे स्पाइसेस हैं जो मैंने बनाकर रखा था वो सारे मैंने यहीं पर ऐड कर दिया है। पहले हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा मसाला है ना वो अच्छे से चिकन को लग जाए। तो अगर आपको बिरयानी वगैरह बनाना है तो आप सुबह सुबह ये काम कर लीजिए और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए और आप दूसरे काम करते रहिए, और जब आपको बिरयानी बनाना है तो फाइनल हमें सिर्फ राइस को जो है ना बॉईल करके रखना होता है, डालना होता है, तो हमारी बिरयानी जो है ना फौरन तैयार हो जाती है। बस यही एक काम होता है जो हमें सबसे पहले करना होता है। तो सबसे पहले जो है ना फिर मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 पैकेट डाल दिया है दही के, तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ रहा है जब हमने इसमें दही ऐड किया है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने फ्रेश कोथमीर और पुदीना भी ऐड कर दिया है और 8 से 10 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च भी ऐड कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को भी हम मिक्स कर लेंगे, पहले मसाले ऐड कर दें उसके बाद ये सब चीज़ें ऐड करेंगे ना तो चिकन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, सारे मसाले उसको अच्छे से लग जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है ना 4 से 5 लेमन जूस भी ऐड कर दिया है, लेमन के जूस ऐड किया है। और यहाँ पर जो है ना हमारी प्याज बिरयानी की फ्राई हो गई थी तो मैंने कोरमे के लिए भी ना 5 से 6 अदद प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लिया है, और मैंने 20 से 25 काजू भी लिए थे, सॉरी 30 काजू थे, 50 ग्राम आप समझ लीजिए 50 ग्राम काजू थे, उसको ही मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम प्याज और काजू का ना पेस्ट बनाकर रख लेंगे जो हमारे चिकन अफगानी कोरमे में जाएगा। तो चलिए भी हम बिरयानी में देख लेते हैं। बिरयानी में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है जो हमने प्याज को ब्राउन करके रखा था ना वो मैंने ऐड कर दिया है, और टमाटर की प्यूरी मैंने बना लिया था, सिंपली टमाटरों को ग्राइंड कर लेना है, ऑयल डालकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता, तो हमारी टमाटर की प्यूरी बन जाती है। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया है, तो इससे जो है ना मसाला चिकन में अच्छे से लग जाता है। तो चलिए बस अभी हमारी 80% तैयारी हो गई है बिरयानी की, बस मैंने उसको मैरिनेट करके रख दिया है। और हमारा जो प्याज था ना उसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था क्योंकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, तो इसलिए जो है ना बिना पानी के मैंने उसको हल्का सा बस एक चक्कर लगा लिया था, उसके बाद जो है ना मैंने बिरयानी के मसाले में प्याज ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर जो है ना अफगानी बनाने के लिए जो है मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ, हल्के से ऑयल में हमें फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है। तो चलिए अब हम जो है ना सारे चिकन को फ्राई कर लेते हैं। 2 पैन का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ताकि काम हमारा ना जल्दी हो जाए, और अभी जो है ना मुझे थोड़ा सा तैयार भी होना है और कुछ काम है जिसके लिए मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, 1.5 घंटे का काम है। तो अभी ये फटाफट जो है ना मैं बनाऊँगी, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा हम बाहर जाकर आएँगे, और अभी लंच का टाइम भी हो रहा था और भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम अपना कोरमा बना लेंगे। तो खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना मैं अभी यहाँ पर कोरमा बनाने
के लिए आई हूँ। और मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल, जो हमने बिरयानी के प्याज फ्राई की है ना, वही मैंने ऑयल ले लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाला है, और वही मैंने इसमें डाल दिया था दालचीनी, लौंग, इलायची, शाही ज़ीरा, और थोड़ा सा मैंने तेज़पत्ता भी डाला है। और हल्का सा ऑयल में सॉटे करने के बाद मैंने यहाँ पर जो काजू बादाम का पेस्ट बनाया था ना, सॉरी काजू और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। गरम मसाला हमने चिकन में ऐड नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है ज़ीरा पाउडर, और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम एक 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद जो है ना, ये जो बचा हुआ मसाला है ना, जो हमने चिकन फ्राई करने से पहले बचा कर रखा था, वो मसाला भी हम यहीं पर ऐड कर देंगे। और इसको अब हम ढक करके तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा मसाला जो है ना पक नहीं जाता। तो ये देखिए ऑयल सरफेस पे आ गया है, इसका मतलब मसाला हमारा पक गया है। इसको टाइम नहीं लगता है पकने के लिए। तो यहाँ पर जो हमने चिकन को फ्राई करके रखा है ना, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पर मैंने इसको रखा है। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी, जितना हमें कंसिस्टेंसी रखना है, बस इसी पे जो है ना अभी दम पर हमारा चिकन पकेगा। और बाद में जो है ना इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होगा। यहीं पर आप इसमें मिर्ची और नमक वगैरह चेक कर लीजिए, बाद में इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। साथ ही मैंने चाय रख दी है, क्योंकि मेरे देवर वगैरह आ गए थे और उन्हें भी जो है ना मैंने चाय नहीं पिलाया था, क्योंकि काम में ही लग रही थी मैं। तो अभी यहाँ पर जो है ना चाय वगैरह पीने के बाद मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ। अभी मैं थोड़ी सी घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैं पकाने में लगी हुई थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा काम हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो बस क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैंने यहाँ पर अभी रख दिया है। अभी थोड़ी सी क्लीनिंग बाकी है, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले जो है ना मैं चिकन को थोड़ा सा हल्का सा रख देती हूँ गैस पर, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना बिरयानी की लेयरिंग लगाने से पहले चिकन को 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेती हूँ, उसके बाद ही जो है ना मैं लेयरिंग करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चावलों को भिगो कर रखा है, और चावल को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी भी ले लिया है। इसमें मैंने खड़े गरम मसाले डाल दिए थे, और थोड़ी सी मैंने प्याज डाल दी थी, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, जो हम बिरयानी में डालते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दें पानी में। और जैसे ही बॉयल आएगा उसमें हमने यहाँ पर बासमती राइस डाल दिया है, और राइस को मैंने 40 मिनट पहले ही भिगो कर रखा था। तो चलिए अभी जो है ना हम इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाएंगे। तो ये देखिए जब बासमती राइस पक जाता है ना, तो पूरा चावल ऊपर की तरफ आता है। बाज़ लोगों को बासमती राइस पकाने प्रॉब्लम होती है, तो बस यही होता है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालें, और जैसे ही राइस आपके ऊपर आ जाएँ चेक कर लें, अगर थोड़ा सा भी कच्चा है तो और थोड़ा सा पका लें। उसके बाद आप जैसे ही आपको लगे कि चावल पक गया है तो उसको ड्रेन आउट कर लें। तो यहाँ पर जो है ना मैं लेयरिंग कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा ना मैं यहाँ पर गड़बड़ी में हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अभी मुझे बच्चों को भी रेडी करना है, और थोड़ा सा जो है ना रोटी बनाना है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी फटाफट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है ना हस्बैंड का फ़ोन भी आया था कि केक लेकर आए हैं या नहीं लेकर आए हैं, तो वो यही बोल रहे थे कि अभी जो है ना तुम किसी को भेज कर मंगा लेना, क्योंकि हस्बैंड गए हुए हैं अपने जॉब पर, उन्हें आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैंने भी उन्हें फोर्स नहीं किया, क्योंकि मैं मैनेज कर सकती हूँ जो भी काम है, और मेरी देवरानी भी थी मेरे हेल्प के लिए, तो इसलिए मैं जो है ना मैंने उन्हें जाने दिया था। और यहाँ पर जो है ना हमारी लेयरिंग हो गई है। मैंने सिर्फ आधे चावल जो है ना चिकन के ऊपर डाले थे, और जो आधे बचे हुए चावल थे ना उसको मैंने अलग से भगोने में किए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चावल जो है ना ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर चावल ज़्यादा होते हैं ना तो टूट जाता है बासमती चावल, तो इसलिए जो है ना मैंने उसको अलग अलग 2 भगोने में करके अभी दम पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा सेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमारे मेहमान के आने का भी टाइम हो रहा है, और केक के कटिंग का भी टाइम हो रहा है। तो चलिए मैं थोड़ी सी यहाँ की सेटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर आ गई हूँ बच्चों को रेडी करने के लिए, क्योंकि बच्चे ना कंटिन्यूस बस खेले जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले उनको मैं रेडी करा लेती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी और हम अपना बर्थडे का सेलिब्रेशन कर लेंगे। वैसे मैं चाह रही थी कि मैं रोटी बाहर से मंगा लूँ, लेकिन मैंने आपको बताया हस्बैंड घर पर नहीं थे, और मैंने जो है ना ऑनलाइन देखा भी, लेकिन मुझे जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन इससे पहले नहीं मंगाया था। तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं बना ही लेती हूँ, और आटा जो है ना गूंद कर रखा हुआ है, मेरी देवरानी ने आटा गूंद के रख दिया है, तो बस मुझे थोड़ी सी रोटी बना लेना है। तो चलिए भी फटाफट जो है ना हम रोटी भी बना लेते हैं। तो इससे पहले मैंने बच्चों को यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने जोहेब के ना ये वाला ड्रेस पहनाया है, माशाल्लाह से ना कलर बहुत प्यारा लग रहा था जोहेब के ऊपर,
और ये है हिमांत। हिमांत को भी जो है ना रेडी कर लिया है। आज मैंने हिमांत को ना स्कूल भेज दिया था क्योंकि मुझे पता था अगर ये घर पे रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, तो ये स्कूल जाकर अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। बस इन्हें भी आए हुए जो है ना आधा घंटा हुआ है, तो अभी इन्हें भी मैंने रेडी करा दिया है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं किचन का क्या हाल है। तो चलिए, हमारी जो बिरयानी है ना उसका दम मैंने निकाल लिया है और रोटी भी बन गई है। तो यहाँ पर जो है ना मैं सारे बर्तन वगैरह निकाल रही थी जो हमें खाने के लिए लगने वाले हैं, इनको थोड़ा सा मैं वॉश कर रही थी। अब बस इनको जो है ना सर्व करने के लिए बस पोंछ के रखना है, थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, तो सारा काम हमारा हो जाएगा। और हिमाद के अब्बू भी आ गए हैं अभी, और बाहर जो है ना बच्चे बलून्स फुला रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए हमारा डिनर सेट मैंने निकाल लिया था, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना बच्चे बलून्स फुला रहे हैं। और मैंने ना थोड़े से ही बलून लिए हैं, इस बार ज़्यादा मैंने डेकोरेशन नहीं किया है क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना हम लोगों ने बलून्स दीवार पे लगाए थे जिसकी वजह से ना दीवार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये गलती ना अक्सर हो जाती है हमसे, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार लगाते ही नहीं हैं, वो चक्कर ही नहीं रहेगा। और यहाँ पर जो है ना बच्चों की भी मस्ती चल रही है, माशाल्लाह से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो चलिए आप लोग भी इन्जॉय कीजिएगा व्लॉग को, मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि अभी केक कटिंग में कितना टाइम है। यहाँ पर हो रही है हमारी बर्थडे पार्टी, भाई देखिए यहाँ पर है हमारा बर्थडे बॉय जोहेल। ए सुबह दो सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और ये है हिमांत। आप लोग सब मेरे जोहेब को विश कीजिएगा हैप्पी बर्थडे और बहुत सारे विशेज भेजिएगा, ठीक है। तो जितने भी ना केक कट नहीं हुआ है, बस बच्चे जमा हो गए हैं तो किसी का वेट कर रहे हैं, अगर वो आएंगे ना तो जल्दी से हम लोग केक कट कर देंगे। और आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है क्योंकि ज़्यादा कुछ ग्रैंड नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस पहना। चलिए बर्थडे का केक कट कर लेते हैं। केक देखिए, ये हमारा केक भी आ गया है, चॉकलेट्स भी आ गए हैं और सारा अभी हो गया है। और यहाँ पर है ये वेफर और ये है चूड़ा, ये रहे हमारे प्लेट्स। तो बस अभी फटाफट जो है ना हम ये बर्थडे मना लेते हैं, ठीक है। और अभी जो है ना मैं थोड़ा सा किचन मैंने सेट कर दिया है और यहाँ पर मैंने रखा है बिरयानी का। और ये है चीज़
पर जो है ना केक कट हो गया है, तो मैं फटाफट जो है ना बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, क्योंकि ना टाइम काफ़ी हो गया है और बच्चों को ना सुबह में स्कूल जाना होता है, और आज जो है ना थोड़ा सा हम लोगों को केक कट करने में लेट हो गया है। तो चलिए भी फटाफट जो है ना हम लोगों का केक कट हो गया है, बच्चों को फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद खाना लगाते हैं। तो चलिए जी, केक कटिंग का जो सारा काम है ना वो हो गया है और बच्चे भी सारे चले गए हैं, और जो छोटे बच्चों के केक थे ना वो मैंने बड़े बच्चों से कहा कि उन्हें तुम देकर आ जाना घर पर। और मैं जो है ना सुबह में दो केक लेने वाली थी, मैं जो हाफ़ के जी के होते हैं ना, मैंने सुबह में जो है ना हाफ़ के जी के दो केक ऑर्डर किए थे, लेकिन फिर बाद में जो है ना हस्बैंड ने फोटो केक चूज़ किया, तो फिर जो है ना मुझे वन के जी का ही रखना पड़ा। लेकिन फिर बाद में लकीली जो है ना मेरे भाईजान भी एक केक लेकर आ गए थे, तो दो केक हो गए थे। एक्चुअली मैं दो केक इसलिए ले रही थी क्योंकि मुझे ना हिमाद का जब भी मैं बर्थडे करती हूँ ना तो सक्सेसफुल होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाता है तो सेलिब्रेट नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं हिमाद के लिए भी ले लेती हूँ। लेकिन फिर नहीं लिया मैंने, क्योंकि केक का जो डिज़ाइन था वो चेंज हो गया था। लेकिन फिर जो है ना और एक केक आ गया, और मैंने इसलिए इस बार जो है ना हिमाद के साथ में ही केक कट किया है। और मेरे हस्बैंड को जो है ना मतलब थोड़ी सी शर्म आती है, तो नहीं आते हैं केक वगैरह कटिंग करने में, तो इसलिए जो है ना मैं बच्चों के साथ कट करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अभी खाना लग रहा है, और माशाल्लाह से जो है ना अभी दस्तरखान लग गया है, अभी आएगा हमारे साथ खाने के लिए। अरे उसको प्लेट दो बाबा, वो खाएगा भी नहीं शर्म के मारे। और ये ना मेरे कजिन का लड़का था, तो वो बहुत ज़्यादा शर्माता है ना, तो हिमाद के अब्बू ने उसको कैप्चर कर लिया था मोबाइल क्या वीडियो में। और यहाँ पर जो है ना जोए बैठे हुए थे मोबाइल लेकर, और बच्चों को जब मोबाइल दे देते हैं ना तो वो थोड़ा सा शांति से बैठते हैं, अदरवाइज़ जो है ना फिर रोने लगते हैं, सताते हैं, कुछ काम नहीं करने देते हैं। तो काम के टाइम पर तो बस यही एक ज़रिया है बच्चों को चुप कराने का। तो अभी जो है ना हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद जो है ना आराम से बैठकर बातें करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना हम लोगों की बातें चल रही थी, और टाइम भी हो गया है अभी जाने का, तो अभी सब लोग यहाँ पर जो है ना निकलने लगे हैं। और अभी जो है ना टाइम आई थिंक 12:15 या फिर 12:30 समथिंग हो रहे हैं, और बाहर देखिए बारिश भी हो रही है। और मैं सबको बोल रही थी कि आज की रात रुक जाओ, सुबह में चले जाना, लेकिन फिर वही मसला, बच्चों की स्कूल वगैरह है और कोई रुक भी नहीं सकते थे। और मेरी जो देवरानी है वो कल रात को आई थी, तो इसलिए जो है ना अब वो भी जाने की लगा रही थी कि मुझे भी जाना है। तो चलिए फिर मैं आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।